हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे वी हैव द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल यहाँ पर, द बेलिनो जेटा मॉडल। ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्राइस सेट है और इसमें आपको सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सब मिल जाते हैं। तो 8.09 लाख के एक शोरूम प्राइस में ये प्राइस शुरू हो जाती है और 50,000 एक्स्ट्रा देके आप इसका ऑटोमेटिक वेरियंट भी परचेज कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप जरूर कर दें। सिर्फ बेलिनो ही नहीं, कोई भी आपको गाड़ी लेनी हो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। बेस्ट रेट्स, क्विकेस्ट डिलीवरी मैं प्रोवाइड करूंगा पूरे दिल्ली एनसीआर एरिया में। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे डायरेक्ट या मेरी टीम से बात कीजिए। शुरुआत करते हैं जेटा मॉडल से। इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि डिज़ाइन वाइज भी आपको सब कुछ मिल जाता है, सेफ्टी वाइज भी और फीचर्स वाइज भी। सबसे पहले एलॉय व्हील्स आपको दिखाऊंगा मेरे को क्योंकि इसके अच्छे लगते हैं, फिर चलेंगे हम लाइट्स की तरफ। 16 इंचेस के आपको यहाँ पर सिल्वर एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका अगर मैं एग्जैक्ट सेक्शन करूँ तो 195/55 आ रहा है। थिकनेस जो है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है और व्हील्स का डिज़ाइन भी। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और आप चलते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये पॉड के साथ, डिज़ाइन के साथ। LED ही आपको यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं और इंडिकेटर आपको बल्ब वाला मिलेगा, थोड़ा बड़ा एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल यानी कि सिग्मा और डेल्टा। यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग पूरी मिल जाती है, हालांकि फॉग लैम्प मिसिंग है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है, बट डेफिनेटली दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। क्रोम का पूरा अच्छे से इस्तेमाल, सुजुकी का बड़ा लोगो, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ है वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वाइडर लगने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ORVMs के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर जो कि अच्छे लगते हैं और बॉडी कलर ही आपको ORVMs मिलेंगे, ब्लैक्ड आउट नहीं है, वो भी काफ़ी प्रीमियम टच यहाँ पर दे देते हैं। साइड प्रोफाइल की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल देखेगा बेड लाइन पे। हैंडल के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ये की ऑप्शन मिलेगी, ऑफकोर्स ये रही इसकी की, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। लॉकर अनलॉक का आपको फीचर मिल जाता है, सुजुकी का लोगो और इस की को ऑफकोर्स आप बाहर भी निकाल सकते हैं। बात करूँ इसकी क्रोम डोर हैंडल की, ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफकोर्स मिलेगी आपको। ग्राउंड क्लीयरेंस अगर मैं ओवरऑल गाड़ी की बात करूं तो 170 mm की आपको यहां पर ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है। हाइट भी गाड़ी की अच्छी मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, डिस्क नहीं मिलेंगी, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। और ये वाला जो क्रोम है ये पूरा पीछे तक जाता है, ये डेफिनेटली जो डिज़ाइन है हर किसी को पसंद आएगा इस क्वार्टर विंडो के साथ। टॉकिंग अबाउट द रियर प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है ऊपर की तरफ को, आपको एक एंटीना मिल जाएगा माइक्रो एंटीना, स्पॉयलर पीछे तक आ रहा है, लुक्स रियली रियली गुड। डिफॉगर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर फीचर करता है, सुजुकी का लोगो है, बेलेनो की लोगो आपको बैजिंग मिल जाएगी, सिग्नेचर नेक्सा की LED टेल लैम्प्स के साथ साथ आपको रिवर्स लाइट और इंडिकेटर की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो आपको मिलते हैं सेफ्टी में, यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। बम्पर में ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई डिज़ाइन नहीं है, बट डेफिनेटली बॉडी कलर बम्पर एक स्लीक एंड सेक्सी डिज़ाइन आपको ओवरऑल मिल जाता है। मैंने बताया वॉशर वाइपर डिफॉगर सब है, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ, साथ में हाई स्टॉप लैम्प तो है, ये मैंने पक्का बताया था। ऑफकोर्स नेक्सा का छोटा सा आपको एक ग्रेविंग इस तरफ जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगने वाली है। डिफॉगर भी कहीं ना कहीं सेफ्टी में आता है तो एक अच्छी बात है। बारी आती है इसकी बूट स्पेस की, जो कि 339 लीटर्स की थी। रिक्वेस्ट सेंसर से हमें अनलॉक करनी पड़ेगी गाड़ी, अब हो गई है 318 लीटर्स की, बट डेफिनेटली जो है आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाती है। अच्छा है कि थोड़ी सी जो डीप हो गई है पहले से ज़्यादा ये, जिसमें आप सामान रख पाएंगे। स्पेयर टायर की बात करूँ तो जेटा मॉडल में आपको स्टील व्हील मिलेगा ब्लैक वाला। अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो आपको 15 इंचेस का ही यहाँ पर साइज़ मिलेगा इसका, और इज़ परफेक्टली फाइन। टूल किट आपको ऑफकोर्स वहाँ आगे मिल जाएगी, यहाँ पर मतलब जो पड़ी हुई है। उसके अलावा एक लाइट आपको अंदर मिल जाती है और आइसोफिक्स चाइल्ड एंकोराजेस तो है ही। 60-40 स्प्लिट सीट भी आपको मिलेगी जो कि बेस मॉडल में मिसिंग है। बिल्ड क्वालिटी की बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली नई बलेनों में जो क्वालिटी है वो बेटर हुई है, सिर्फ बूट की नहीं, डोर्स की और उसके साथ साथ बोनट की भी, और इंटीरियर में भी जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई वो आपको दिखा भी देता और बता भी दूँ कि बेहतर पहले से ज़्यादा हुई है। चलो जेटा मॉडल के इंटीरियर या अंदर बैठ के बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, ये जो डोर की क्वालिटी है ना, जो थर्ड आना शुरू हुआ है नई बलेनो में, बहुत बढ़िया लगता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि थोड़ी सी गाड़ी की जो सेफ्टी है वो बेटर हुई है। कंपनी वाले कहते हैं कि जो थिकनेस है मेटल शीट्स की उसको 5 mm बढ़ाया गया है, और ऑफ कोर्स ड्राइविंग वाइज सस्पेंशन वगैरह चेंज है, ब्रेक्स चेंज हैं, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की ओवरऑल बात करें तो क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी भी देखेंगे वो भी पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है, लुक्स रियली रियली प्रीमियम एंड गुड। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेयरिंग मिल जाता है मारुति सुजुकी वाला जो स्विफ्ट में आता है, जो कि एक स्पोर्टीनेस आपको ऐड करता है। यहाँ पर डी कट भी मिलेगा, वॉइस कमांड्स मिलते हैं, स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स और राइट साइड पर आपको लाइट कंट्रोल्स मिलेंगे, जो कि जेटा मॉडल में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। टच स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो जेटा मॉडल में आपको एक 7 इंच की टच स्क्रीन प्रॉपर मिलती है, जिसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आई वुड लाइक टू शो दैट टू यू।
इंटरफेस आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक एसी है, बेस मॉडल से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है। एनालॉग आपको मिलेंगे यहाँ पर स्पीडोमीटर्स, लेकिन बीच में एक कलर्ड MID डिस्प्ले मिल जाएगी, यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। ये देखिए टच स्क्रीन जेटा मॉडल में डिफरेंट है, जो डेल्टा मॉडल है उसमें डिफरेंट है। इसका ध्यान जरूर रखें कि साइज उतना ही है, लेकिन जो इंटरफेस है वो अंदर, और इसमें अलेक्सा का फीचर भी है, कनेक्टिविटी में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है। उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बट अलेक्सा नहीं है, इसमें अलेक्सा ऐड हो जाती है। उसके अलावा ये जो वॉइस कमांड का बटन है उसको इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर आप वाईफाई का सिग्नल देख सकते हैं। सेटिंग्स में भी देखेंगे, और इसके जो इंटरफेस है ना, जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है वो भी मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू डेल्टा की टच स्क्रीन या पहले जो मारुति सुजुकी टच स्क्रीन प्रोवाइड करते थे। थोड़े कंट्रोल भी डिफरेंट है, तो मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, कनेक्शन टू योर पेयर डिवाइस। चलो एनीवे, यहाँ पर आपका टाइम और ये सब आएगा, कस्टमाइजेबल है, अभी रेडियो का ऑप्शन है। बात करना चाहूंगा इसके बाकी फीचर्स के बारे में, तो आपको 6 एयरबैग्स इसी मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि जो मिसिंग फीचर है वो बता दूं, हेड्स अप डिस्प्ले, ठीक है, और एक क्रूज कंट्रोल एक जो मेजर फीचर मिसिंग है यहाँ पर। उसके अलावा ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाता है। साइड पे आपको लेदर पैडिंग मिलेगी, अलग कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर, ब्लू, सिल्वर एंड ब्लैक। ग्लव बॉक्स जो है आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, हालांकि कूल्ड ये नहीं मिलेगा बट इट्स परफेक्टली फाइन। USB पोर्ट आपको इस तरफ मिलेगा इसका। उसके अलावा 12 वोल्ट का सॉकेट, स्टोरेज ऑप्शन, प्रॉपर सिल्वर फिनिशिंग ऑन द एसी वेंट्स के ऊपर आपको ग्लॉस मिलेगा, नीचे सिल्वर फिनिशिंग। बेस मॉडल्स में कार्बन फाइबर वाली है बट यहाँ पर भी डेफिनेटली अच्छी लगती है। ये जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन का डिज़ाइन है ये भी कई लोगों को अच्छा लग रहा है, कईयों को नहीं, क्योंकि हाउसिंग बड़ी है, स्क्रीन छोटी लगती है उस वजह से। लेकिन ये हाउसिंग इसलिए रखेगी ताकि अगर आप कभी बड़ा मॉडल लगवाना चाहें तो लगवा सके। अगर हम IRVM की बात करें यहाँ पर, तो वो आपको मिलता है मैनुअल ही, ऑटोमेटिक वाला जो मिलेगा टॉप मॉडल अल्फा, वो खड़ी उस तरफ वो दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती हैं। अगर इनकी बात करूँ, यहाँ पर किस तरह का कोई मिरर नहीं है, यूजुअली होता भी नहीं है, इस तरफ आपको मिरर मिलेगा लेकिन लाइट नहीं है, जो कि टॉप मॉडल में है। ओवरऑल मैं बताना चाहूँ इसके कंफर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली एक कंफर्टेबल राइड है। हम ड्राइव रिव्यूज़ का कर चुके हैं, चेकआउट नहीं किया तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लें। और उसके साथ साथ अगर आप दिल्ली NCR एरिया से और आपको ओनर्स रिव्यू करवाना अपनी किसी गाड़ी का, पुरानी हो नई हो, पेट्रोल डीजल CNG डजंट रियली मैटर, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल आप ज़रूर कर दें, मैं आऊँगा आपके पास, आपकी गाड़ी का प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको नई गाड़ी कोई लेनी है दिल्ली NCR में, तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जेटा मॉडल डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बारी आती है इसके रियर सीट की, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ड्राइव नहीं करता, पीछे भी बैठना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डोर की थर्ड डेफिनेटली बलिनो में इंप्रूवमेंट है, बार बार कहूंगा। एडजस्टेबल आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि लोअर वेरिएंट्स में मिसिंग है। एडजस्टेबल ही हेडरेस्ट आपको फ्रंट वाला मिलेगा। सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है, उसकी कमी महसूस होगी, लेकिन वो टॉप मॉडल में भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि टॉप मॉडल में भी है और लेकिन पिछले मॉडल्स में नहीं थी बलेनो के, तो वो है रेयर एसी वेंट्स। वो डेफिनेटली आपके जो राइड है या आपकी जो ट्रैवल जर्नी है उसको डेफिनेटली काफ़ी कन्वीनियंट, इजी और कंफर्टेबल बना देंगे इसके रेयर एसी वेंट्स, जहां पर आपको USB चार्जिंग स्टोरेज के ऑप्शन भी मिल जाती है। एक आपको मिलेगा USB A और एक मिलेगा USB Type-C चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग के लिए। क्रोम डोर हैंडल्स आपको इस तरफ भी मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर पकड़ने के लिए भी। और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 एयरबैग्स तो आपको मिल ही रहे हैं, प्लस अगर आप ऑटोमेटिक मॉडल लेते हो तब आपको हिल होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे। ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, सॉरी एडजस्ट की आवाज़ आने आ गई, बट मैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर, एंड काफ़ी एक बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहने वाला है। हालांकि पीछे बैठना मुझे इतना कोई खास पसंद है नहीं, क्योंकि अगर ड्राइवर सीट है अवेलेबल तो मैं डेफिनेटली उधर बैठ के गाड़ी चलाना प्रेफर करूँगा फॉर श्योर। उसके अलावा अगर हम बलिनो की ओवरऑल बात करें तो 2-3 सवाल लोगों के रहते हैं। एक तो क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग में क्या आता है रिजल्ट, वो तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। हमने बलिनो के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लें, एंड जेटा मॉडल ज़रूर परचेज करें अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब दरवाजे गाड़ी के बंद होते हैं ना, तो बाहर की नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि डैम्पनिंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से की गई। इससे भी पता लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी बेटर हुई है, क्योंकि आपका जो मटेरियल यूज़ किया गया वो ज़्यादा भी किया होगा और बेहतर क्वालिटी का भी। अंदर की जो प्लास्टिक क्वालिटीज़ हैं उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया गया हर तरफ अगर मैं देखूँगा, फैब्रिक से लेकर कम्फर्ट की जो आपके जो फोम की मिल जाती है आपको प्रॉपर ग्रिप वगैरह, और साथ में कुशनिंग जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है। 360 डिग्री कैमराज, हेड्स अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको टॉप मॉडल मिलेंगे, जो कि 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। और मेरी माने अगर आप एक गाड़ी ले रहे हैं तो एक 10% वैल्यू की वजह से आप अल्फा ये छोड़े मत। अगर आपको बहुत टाइट बजट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे पैसे गाड़ी पे लगा दो, बट अगर टाइट बजट है तो जेटा, लेकिन अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है तो टॉप मॉडल आपके लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन रहेगी।
फॉर श्योर लेटेस्ट है, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज है और उसके साथ साथ बढ़िया स्पेस और कंफर्ट तो आपको मिलेगा ही विद ग्रेट माइलेज, जो कि हर कोई मांगता है। ग्रेट माइलेज के लिए हमने प्रॉपर ड्राइव रिव्यूज बनाए हैं, उसे चेकआउट जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दिल्ली NCR एरिया से तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप जरूर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बाय बाय।